Kendra Dhanda Tayo and a lot of movies in the past. A big deal is approaching 6th May when the verdict for his case, Long Drawn case, will be out. You're close to him. What are the thoughts going on in your mind? You take to him, I'm sure, very closely. What is happening? Salman is a wonderful person. I think people evolve, people change, people see life. The kind of humanitarian work he is doing, I think it's, I'll pray to God that he is happy after the verdict. And but I, being a common man of this country, I can't pass a judgment on something which is, the law has to take its thing. And I just hope that things are all right. And I just hope, but the Salman that I have known for the last 12, 15, 30, 20 years, has become the most amazing human being. I think the kind of charity that he is doing for the people, for poor people of this country, is laudable. And I pray that things are okay. हर साल जाता हूँ फैमिली को लेके, मेरी बेटी को, मुझे स्नो बहुत अच्छा लगता है, तो ऑलवेज वी गो टू गुलमर्ग, पहलगाम हमेशा जाता हूँ। तकरीबन पिछले 8 साल से मैं ऑलमोस्ट एवरी ईयर हूँ, कभी कभी तो 2 बार भी जाता हूँ, तो अच्छा लगता है कश्मीर और घूमने के लिए। और इतनी मेमरीज है पुरानी पिक्चरों की, अमित जी की पिक्चर की, राजेश खन्ना जी की पिक्चर की, जितेंद्र साहब की पिक्चर की, इतनी मेमरीज है, तो हमेशा जब जाता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे ख्याल से आज बहुत अच्छा है कि सीएम साहब खुद आज तमाम बॉलीवुड के लोगों से मिलने वाले हैं, इंटरेक्शन हो रहा है, और जो सहूलियत है, जो वहाँ पे जो एक शूटिंग के लिए हमने को जो प्रॉब्लम होती है, मेरे ख्याल से आज वो सब जो चीज़ें का वो उसका वो निकालेंगे, सपोर्ट होगा। और मेरे ख्याल से कश्मीर जिस तरह से 70s में 80s में था, शूटिंग होती थी, 5-5 शूटिंग एक साथ होती थी उस टाइम पर, मेरे ख्याल से वही दौर जो है फिर चालू होगा। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा दौर है कि मुफ्ती साहब की सरकार बीजेपी के साथ मिलके चला रही वहाँ पे। और डेफिनेटली फिल्म इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से, मैं हमेशा चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में इतने अच्छे अच्छे बेहतरीन लोकेशन है, और खासकर कश्मीर में मेरे ख्याल से सब कुछ है, लेक है, माउंटेन्स है, स्नो है, सब है, ब्यूटिफुल गार्डन्स यू हैव। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग इनिशिएटिव बाय द कश्मीर गवर्नमेंट टूरिज्म, and I'm looking forward for this event and looking forward to someday to shoot in Kashmir. Thank you. That was actually going to be my next question about shooting in Kashmir. Questions? Hello. Hi, sir. Hi, please. Sir, Kashmir invitation aaya hai. CM saab khud aaye hain yahan par invite. जी जी जी. एक अच्छी शुरुआत है, जितना ज़्यादा उसको एक perception बना हुआ है कश्मीर का, वो टूटना चाहिए। और ये सीएम साहब की बहुत बड़ी, बहुत अच्छा स्टेप है, जिसकी वजह से कि अलग मैसेज जाए। और हम जब कश्मीर में गए थे शूट करने के लिए, तो हमारा तजुर्बा ये था कि वहाँ बहुत सारी पेंट अप एनर्जी है और आउटलेट नहीं है लोगों के पास, तो तरीके ढूंढने चाहिए हम लोगों को भी, उनको भी, कि कैसे एक आउटलेट मिले यंग जनरेशन को, और जो जितने हालात हैं वो नॉर्मल हों। दर्दनाक हैं, खूबसूरती अलग एक अपनी जगह पे है, और दूसरे जो हालात हैं वो बहुत दर्दनाक हैं। हमने जो फिल्में दिखाया वो 10% भी नहीं था, उससे ज़्यादा वहाँ के हालात ऐसे हैं। वो हमारे मुल्क का हिस्सा है, उसको हमें जितना हो सके नॉर्मल बनाना चाहिए। सर, फिल्म्स को लेकर एक जनरल सवाल है, न्यूडिटी क्लॉज को लेकर आप क्या सोचते हैं? न्यूडिटी क्लॉज ये कब आया? मैं एकता कपूर से पूछता हूँ क्या मतलब है उनका न्यूडिटी क्लॉज से। इधर आके बात करिए ना, मैं उधर फिर आपकी तरफ देखना पड़ता। अच्छा, आप अपने कैमरे के लिए करवा रही, बाकी कैमरे ऐसे ही है। देखिए, इंडस्ट्री में और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो होनी चाहिए। मैं एक्चुअली इस परिचित नहीं हूँ, न्यूडिटी क्लॉज क्या है ये, जब मैं परिचित हूँ मैं जान जाऊँगा इसके बारे में, तो बात कर पाऊँगा। व्हाट नाइट लाइफ बॉम्बे में जिंदा है, और आई थिंक थोड़ा उसको और बढ़ाना चाहिए।
Thank you.